हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल। सो 24 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिख के सर्च करेंगे, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसके पीडीएफ पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 23 अप्रैल के करंट अफेयर पढ़े थे तो लास्ट में आपको दो क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 24 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आपका पहला टेस्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर टर्नआउट ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका, किसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विक्रमनाथ। विक्रमनाथ को अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 24 अप्रैल के करंट अफेयर। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको दो क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, जो विश्व पुस्तक दिवस है ये अभी हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया है। देखिए, जो वर्ल्ड बुक डे है ये हर साल 23 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है, और जब 2019 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया है तो आपको इसकी थीम भी मालूम होनी चाहिए। तो इसकी थीम है शेयर अ स्टोरी। ये इसकी 2019 की थीम है, शेयर अ स्टोरी। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दिन है विश्व पुस्तक दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1995 में मनाया गया था। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दिन यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में क्या हुआ था कि विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। विलियम शेक्सपियर कौन है? तो ये बहुत ही फेमस लेखक थे जिनका 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में निधन हो गया था, इसीलिए इस दिन को हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी नोट करिए कि यूनेस्को के द्वारा हर साल विश्व पुस्तक दिवस पर क्या होता है कि किसी शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया जाता है। और जब ये जो दिन है ये 2019 में मनाया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। तो उस शहर का नाम है शारजहां। शारजहां शहर को 2019 में वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। और ये जो शारजहां शहर है ये कहाँ पे है? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात में है। यूनेस्को के बारे में नोट करिए। देखिए, यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रेज अजुले। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ शुरू हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है चीन। तो हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप ये हाल ही में चीन में शुरू हुई है। चीन में कहाँ शुरू हुई है? तो चीन के वुहान में शुरू हुई है। देखिए, इसमें हमारे भारत की तरफ से महिलाओं में दो बहुत ही फेमस प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो उनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, पहली है PV सिंधु और दूसरी है साइना नेहवाल। और आपको मालूम ही होगा कि चाइना में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप भी शुरू हुई है। ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये चाइना के निगमो में शुरू हुई है। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट नोट करिए, चाइना के बारे में नोट करिए। देखिए, ये जो मांग दे रही है यहाँ पे चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रिनमिनबी, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट कैंसर तत्परता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में देखिए कैंसर तत्परता सूचकांक जारी किया गया है जिसमें टोटल 28 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले नंबर पर है अमेरिका, और दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड, और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस रैंकिंग में हमारा भारत कौन से स्थान पर है। तो इस रैंकिंग में हमारा भारत 19वें स्थान पर है।
अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई है, तो ये भी बात इम्पोर्टेंट नोट करिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में नोट करिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। देखिए ये जो मांग दे रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस मुथैया का निधन हो गया और आपको बताना है कि वो कौन थे। तो ये बहुत ही फेमस लेखक थे, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है एस मुथैया। और ये कहाँ के लेखक थे, ये मद्रास के बहुत ही फेमस लेखक थे और इनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए इन्हें 2002 में मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। तो इतनी बड़ी बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एटीपी मास्टर खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए हैं। तो उनका नाम है फेबियो फोगनी। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है फेबियो फोगनी, जिन्होंने अभी हाल ही में एटीपी मास्टर खिताब जीता है। और ये एटीपी मास्टर खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए, यानी कि पहले इटली के खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया, तो इन्होंने फाइनल में दुसान लाजोविच को हराया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आपको दो इम्पोर्टेंट बातें नोट करनी है, एटीपी के बारे में और दूसरा इटली के बारे में, क्योंकि ये इटली के खिलाड़ी हैं। एटीपी के बारे में नोट करिए, एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसके चेयरपर्सन है क्रिस करमोड। इटली के बारे में नोट करिए, देखिए ये जो मार्क दे यहाँ पे इटली, इटली कैपिटल है रोम, इटली करेंसी है यूरो, इटली के प्रेसिडेंट है सर्जियो मेट्रीला, इटली के प्राइम मिनिस्टर है ग्यूसेप कॉन्टे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है विनोद जुत्थी। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है विनोद जुत्थी, जिन्हें अभी हाल ही में त्रिपुरा के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और विनोद जुत्थी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये नोट करिए कि ये 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। त्रिपुरा के बारे में नोट करिए, ये जो मार्क दे रही है यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की सीट है एक, राज्यसभा की सीट है दो, विधानसभा की सीट है 60। और त्रिपुरा का फोक डांस है होजागिरी। और त्रिपुरा का फेमस नेशनल पार्क है राजबरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने किसके नाम पर प्रोफेसरशिप स्थापित करने की घोषणा की है। तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है अमर्त्य सेन, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। और अभी हाल ही में अमर्त्य सेन के नाम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने प्रोफेसरशिप स्थापित करने की घोषणा की है। और अमर्त्य सेन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये नोट करिए कि इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था और इन्हें 1999 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मान किया गया था। तो दो इम्पोर्टेंट बातें नोट करनी थी आपको इनके बारे में। तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर रक्षा बीमा शुरू किया है। तो उस कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर रक्षा बीमा शुरू किया है। और क्यों शुरू किया गया SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो कारोबारियों को साइबर हमले से बचाने के कारण SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर रक्षा बीमा शुरू किया है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और SBI बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। SBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और SBI बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। तो इतनी बड़ी बात है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने CSIR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय।
अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय ने ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर क्यों किए हैं, तो अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय ने CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो आपको आयुष की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो आयुष की फुल फॉर्म है, ए से है आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यू से यूनानी, एस से है सिद्धा एंड एच से है होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उनका नाम है श्रीपद नाइक। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में नोट करिए, देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके महानिर्देशक है शेखर श्री मांडे। तो इतनी मोन बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है ईरान। देखिए अभी हाल ही में पाकिस्तान और ईरान ने संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया की घोषणा की है। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया क्या है, तो देखिए इसके तहत क्या होगा कि जो ईरान और पाकिस्तान है ना, ये मिलकर आतंकवाद से बचने के लिए दोनों देशों की सीमा पर एक संयुक्त रिएक्शन फोर्स का गठन करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में और ईरान के बारे में। देखिए यहाँ पे जो आप देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रूपी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है अरीफ अलवी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ईरान के बारे में नोट करिए, ये जो मार्क दे रही है यहाँ पे ईरान, ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान की करेंसी है रियल, ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो इतनी बड़ी बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है, तो उस टीम का नाम है सर्विसेज। तो हाल ही में सर्विसेज टीम ने संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर्विसेज टीम ने फाइनल में किसे हराया, तो फाइनल में इन्होंने पंजाब को हराया है। संतोष ट्रॉफी के बारे में नोट करिए, देखिए ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेटवर्क इंटेलिजेंस ने साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी हाल ही में नेटवर्क इंटेलिजेंस ने साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पे आपको नेटवर्क इंटेलिजेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, तो देखिए नेटवर्क इंटेलिजेंस, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, इसके CEO कौन है, तो उनका नाम है KK मुखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नोट करिए, देखिए इसके CEO हैं आशीष कुमार चौहान और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो इतनी बड़ी बात है इस क्वेश्चन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 24 अप्रैल के करंट अफेयर। जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा गया था कि लास्ट में आपको दो क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, तो सबसे पहला टेस्ट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा देश शीर्ष पर है, इन चार ऑप्शन में से आपको उस देश का नाम बताना है और आपको ये भी बताना है कि हमारा भारत इस रैंकिंग में कौन से नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, इन चार ऑप्शन में से आपको उस बैंक का नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।